हाँ चलो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखो एक चीज यहां पर देखना कि इसको मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अच्छा इसको शॉर्ट में ना मैं टीवीएम भी बोलती हूँ। अच्छा एक चीज यदि मैं आपसे पूछूं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसका मतलब क्या है? आज यदि मेरे पास रुपीज 10,000 है तो टाइम के साथ साथ क्या उसकी वैल्यू कम होगी? देखो मान लिया आज के टाइम पे मेरे पास 10,000 रुपीज है और यदि मैं आपसे कहूं कि आज उस पैसे की जो मनी की जो वैल्यू वो 10,000 के राउंड में है, 10,000 के राउंड का मतलब है कि मैं उस पैसे से 10,000 की वैल्यू का सामान परचेज कर सकती हूँ। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, मैं आपसे पूछू 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद, तो उस पैसे की वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी? कम हो जाएगी। भैया आज जो मैं 10,000 के मनी से जो गुड्स मैं परचेज कर पा रही हूँ, वो हो सकता है फ्यूचर में मैं उस 10,000 की मनी से उतनी बात का सामान ना परचेज कर पाऊं, है ना? ऑब्वियसली भैया देखो यदि मैं आपसे बात करूं, आपके जैसे दादा परदादा थे उस समय पर यदि जो 100 रुपीज की जो वैल्यू थी, यानी 100 रुपीज में जो वो सामान खरीद पाते थे, वो आज 100 रुपीज में वो सामान नहीं खरीद पाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है भैया? मनी की वैल्यू डाउन होती चली जाती, कम होती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? इन्फ्लेशन की वजह से, है ना? तो इन्फ्लेशन की वजह से, तो ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एक तो हमारा क्या होता है, इन्फ्लेशन। अच्छा एक तो इन्फ्लेशन, अच्छा दूसरा एक कुछ चीज में यदि आपसे बात करूं, मान लिया सपोज करो मेरे पास हाल 10,000 रुपीज है, ठीक है, और मैं कहीं पर उसको इन्वेस्ट करती हूं, तो मुझे उस पर मान ली, मैं मान लेती हूं कि मैं उसको कहीं किसी बैंक में पैसा डिपॉजिट करती हूँ, जहां पर कि मुझे, मैं बिल्कुल रिस्क फ्री हूं। रिस्क फ्री का मतलब है बैंक में पैसा जमा कराती हूँ तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि बैंक में मेरा पैसा डूब जाएगा, यानी 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वो मेरा पैसा मुझे वापस मिलेगा ही। अच्छा अब माने मैं बैंक में वो पैसा डिपॉजिट करती हूँ तो उस पर मुझे क्या मिलेगी? रिटर्न मिलेगी, मिलेगी ना, मैं वो मुझे इंटरेस्ट तो देंगे ना जब मैं उनको कुछ पैसा डिपॉजिट कराऊंगी। तो ऑब्वियसली आपको कि मैम बिल्कुल आपको उस पर, इस पैसे पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कह लो या फिर मैं इसको बोल देती हूँ रिटर्न, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ यहाँ पे, रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक है। यानी जब मैं बैंक में वो पैसा डिपॉजिट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? रिस्क फ्री रिटर्न। क्लियर हो रहा है यहाँ पर ये वाला पॉइंट? लिख लो यहाँ पर रिस्क फ्री रिटर्न। अच्छा एक और चीज, मान लिया बाय चांस मेरे पास एक ऑप्शन लेके चलना, मान लिया मेरे पास अभी कितने हैं, ₹10,000 है, मैं कहीं पर उसको इन्वेस्ट करती हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो क्या है, मेरे पास बैंक का ऑप्शन है जहां पर कि बिल्कुल रिस्क नहीं है, रिस्क जीरो है। अच्छा दूसरा एक और ऑप्शन क्या है, मैं किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाती हूँ, ठीक है जी, प्रोजेक्ट में मैं पैसा लगाती हूँ। अब मैं जब यदि किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाती हूँ ₹10,000, तो मेरा रिस्क है ना कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पैसा ये डूब जाए, या हो सकता है कि मेरा पैसा मुझे ये 10,000 का कुछ भी ना मिले, रिस्क है। तो मैं जो यहाँ से रिटर्न चाहूंगी अपने, रिटर्न का मतलब है, थोड़ा सा बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी डाउट हो रहा है कि रिटर्न होता क्या चीज है, मैं उसके लिए बता देती हूँ। ये रिटर्न मतलब इंटरेस्ट, यानी उस पे जो मुझे इनकम मिलेगी, जैसे मैं बैंक में जब कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करती हूँ तो मुझे वहां से इंटरेस्ट मिलता है, तो वो जो इंटरेस्ट की फॉर्म का उसको मैं रिटर्न बोलूंगी। अब यदि मैं प्रोजेक्ट में पैसा लगाती हूँ, वहां से जो भी मुझे इनकम मिल रही है, तो उसी इनकम को मैं क्या बोलूं, रिटर्न। अब एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ, यदि जो रिटर्न मुझे प्रोजेक्ट से मिल रही है, जो बैंक से रिटर्न मिल रही है, क्या इसी की इक्वल होगी या ग्रेटर होगी? भैया ग्रेटर ही होगी ना। क्यों भैया? देखो बैंक में जब मैं पैसे जमा कराती हूँ तो यहाँ पर कोई भी मुझे रिस्क नहीं है, यानी नो रिस्क है बैंक में। लेकिन यदि मैं प्रोजेक्ट में पैसा डिपॉजिट कर, कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करती हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या है, रिस्क ही रिस्क है भैया, कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। अब डूब गया तो भैया गया बस फिर तो, और यदि हुआ तो फिर वही अच्छी रिटर्न मिलेगी। तो ऐसे वाले उसमें जहां पर कि मुझे रिस्क ज्यादा है तो मैं रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगी, ठीक है। तो इसको मैं क्या चीज बोलूंगी, रिस्क प्रीम, रिस्क रिटर्न।
ठीक है, यानी मुझे क्या चाहिए उसमें, रिस्क रिटर्न चाहिए, जितना रिस्क उतनी ही रिटर्न। अच्छा एक चीज, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लग रहा होगा कि मैम अभी तो आपने फिश का बताया, फिर रिस्क फ्री रिटर्न और रिटर्न, थोड़ा सा अभी चीजों को थोड़ा सा अभी जब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ना तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो अभी जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं कहीं पर भी 10,000 रुपीज आज के टाइम में मैं इन्वेस्ट करती हूँ, और साल के लास्ट में कहीं पर मैंने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जहां पर कि कुछ रिस्क है, ठीक है, रिस्क है, और जो रिस्क है ना उसका मैं सोच रही हूं कि उसका जो रिस्क का है मुझे कितना मिलना चाहिए, 5% मिलना चाहिए। और रिस्क फ्री रिटर्न का मतलब बैंक में यदि मैं पैसा डिपॉजिट करती हूँ ये ₹10,000, तो मुझे बैंक वाले कितना देते हैं, 7% देते हैं, ठीक है, समझ में आया, यहाँ पर 7% देते हैं यदि मैं बैंक में डिपॉजिट करती हूँ, मोटा मोटा एग्जांपल हमने मान लिया। और यदि मैं प्रोजेक्ट में पैसा लगाती हूँ उस प्रोजेक्ट में रिस्क कितना है, 5% का रिस्क है, तो दैट मीन्स कि जब मैं उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊंगी तो मैं क्या थोड़ा सा एज्यूम करके चलूंगी या थोड़ी सी मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन ही होगी कि मुझे उस प्रोजेक्ट से कितना पैसा मिलना चाहिए, कितनी की रिटर्न आनी चाहिए, 12% की तो रिटर्न आनी ही आनी चाहिए, है ना, थोड़ा सा मैं सोचूंगी ना भैया, क्योंकि मैं यदि रिस्क फ्री बैंक में जब जमा कराती हूँ तो वहां से मुझे 7% तो वैसे ही मिल रहा है ना, अब मैं यदि रिस्क भी ले रही हूँ 5% का तो भैया इसका भी तो मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए, तो मेरी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगी, यानी इस प्रोजेक्ट से मुझे जो इनकम होनी चाहिए यानी जो रिटर्न होनी चाहिए वो रिटर्न कितनी होनी चाहिए, 7% + 5%, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज समझना, बाय चांस इन्फ्लेशन हो जाए एक साल में, भाई इन्फ्लेशन का तो कुछ नहीं पता चलता ना, इन्फ्लेशन हो जाती है यहां पर मान लिया बाय चांस 2% की इन्फ्लेशन, आपको पता ही है महंगाई हो जाती है, अब 2% की महंगाई हो जाती है तो मैं ये भी एक्सपेक्ट करूंगी कि भैया मुझे 2% की और एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए, है ना, तो इसी को हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी फ्यूचर, आज मैं कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ तो फ्यूचर में मुझे कितना उस प्रोजेक्ट से पैसा मिलना चाहिए, तो मैं एक्सपेक्टेशन करूंगी भैया उस फ्यूचर वाले प्रोजेक्ट से मुझे इन्फ्लेशन का भी पैसा मिलना चाहिए, भैया आज जो 10,000 की वैल्यू है फ्यूचर में थोड़ी होगी, ठीक है, इन्फ्लेशन का मिलना चाहिए, दूसरा बैंक का रिस्क फ्री का मिलना चाहिए, और थर्ड यहाँ पर उस प्रोजेक्ट में जो रिस्क है वो भी मुझे मिलना चाहिए, तो यानी मेरी जो एक्सपेक्टेशन होगी वो कितनी होगी, 14% की, क्लियर यहाँ पर, यानी 14% का मैं एक्सपेक्टेशन करूंगी जिसमें इन्फ्लेशन, रिस्क फ्री और रिस्क रिटर्न मेरा तीनों इंक्लूड होंगे। एक चीज ऐसा समझना, मानिए आज मैं 10,000 रुपीज पैसा इन्वेस्ट कर देती हूँ, ठीक है, बाय चांस मैं इसमें ना तो इन्फ्लेशन लेती हूँ, ठीक है, मुझे पता ही नहीं है टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या चीज है, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं इन्फ्लेशन नहीं कंसीडर करते और ना ही रिस्क कंसीडर करते कि मुझे इस प्रोजेक्ट में इतना रिस्क भी है, मुझे लगता है कि भाई बैंक में मैं पैसा डिपॉजिट करती हूँ वहां से 7% का मिलता है और मैं प्रोजेक्ट में पैसा लगा देती हूँ, प्रोजेक्ट से मुझे कितना मिल रहा है 7% का, और मैं हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेती हूँ वो प्रोजेक्ट, तो बताओ क्या मैं फायदे में, ऑब्वियसली नहीं, भैया 7% तो मुझे तभी मिल रहा है यदि मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूं पैसे को, प्रोजेक्ट में मैं पैसा लगाती हूँ तो कोई फायदा थोड़ी हो रहा है कि खाली 7% में लेकर यदि मुझे उस प्रोजेक्ट से 7% की इनकम हो रही है, भैया उस प्रोजेक्ट से मुझे जो बैंक में रिस्क फ्री जो रिटर्न है वो भी मुझे मिलनी चाहिए, जो उसका रिस्क है वो भी मिलना चाहिए, और साथ में जो महंगाई है वो भी तो मुझे कवर होनी चाहिए, तो तीनों ही ये चीजें मुझे यहाँ पर इससे कवर होनी चाहिए, तो इसी को मैं बोलती हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो यही मेरी एक्सपेक्टेशन होती है 14%, यानी जिसमें इन्फ्लेशन, रिस्क फ्री यानी बैंक का जो रेट होता है और साथ में रिस्क, ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो बताना चाहिए। अच्छा यहां तक मुझे लगता है कि काफी कुछ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, तो है ना, चलो यानी तीन पॉइंट्स यहाँ पर लिख के रखना है, इसमें इन्फ्लेशन, रिस्क फ्री और रिस्क प्रीमियम। अच्छा अब थोड़ा सा एक बचपन में आ जाओ, बचपन का मतलब है कि आप लोग सोचोगे कि मैं कौन से बचपन में, देखो जनरली तुमने सिंपल इंटरेस्ट वगैरह सीखा होगा ना बचपन में, तो वही चीज जैसे इंटरेस्ट हम यदि कैलकुलेट करते हैं, देखो हमारी जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है ना बेटा, कि हम एक तो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट,
ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा हो कि मैम ये तो हमने बचपन में पढ़ा है फिर यहाँ पे क्यों पढ़ा है, फटाफट हम इसको खत्म करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं भैया? इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू आर, ठीक है, पी का मतलब प्रिंसिपल, ठीक है, पढ़ा होगा ना प्रिंसिपल, और टी का मतलब टाइम, टाइम, और आर का मतलब रेट, ठीक है। सपोज करो आज मैं 10,000 का पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करती हूँ, कितने सालों के लिए? 2 इयर्स के लिए, जो रेट है मेरा है वो कितना है? 10%, तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? सिंपल से जल्दी से बताओ, 10,000 का 10% यानी कितना हो गया? 1,000 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 2,000 रुपीज मुझे इंटरेस्ट उसका रिसीव होगा, सिंपल सी चीज है। अच्छा ये तो हो गया मेरा सिंपल। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट हम कब कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सीधी मैं आपसे पूछूं तो जैसे सिंपल इंटरेस्ट हम तब कैलकुलेट करते हैं, मान ली सपोज मैं कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करती हूँ, ठीक है, तो एक साल के लास्ट में अपना इंटरेस्ट मैं कैलकुलेट करूंगी कि मैंने कितना पैसा डिपॉजिट किया तो उस पर कितना इंटरेस्ट बनता है। तो जो भी इंटरेस्ट बनता है और यदि वो मैं इंटरेस्ट रिसीव कर रही हूँ, ठीक है, मैंने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया तो आगे नेक्स्ट ईयर के लिए फिर वही प्रिंसिपल मैं अपना रेट कैलकुलेट करूंगी जो इंटरेस्ट होगा, फिर अगले साल फिर ऐसे इंटरेस्ट में मुझे मिलता जाएगा, तो बहुत तब मैं उस वाले केस में सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करती हूँ। अच्छा एक और चीज होती है हमारी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ये थोड़ा सा मैं अपनी अभी बच्चों वाली बातें बता रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक आज की क्लास में हम थोड़ा सा ये कवर कर लेंगे कंपाउंडेड इंटरेस्ट, सिर्फ इसलिए कि भैया कहीं भूल तो नहीं गए हो आप, है ना, मैं सोच रही हूँ कि आप लोग भूल गए हो या मैं सोच रही हूँ कि सीधे बचपन से यही सीएस करने आ गए ये चीजें नहीं पढ़ के आए, ठीक है। अब देखो कंपाउंडेड इंटरेस्ट ये कब हम कैलकुलेट करते हैं, देखो मान लिया आज मैं कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करती हूँ, अब एक साल के बाद में मैं कैलकुलेट करती हूँ अच्छा मेरा इंटरेस्ट इतना बनना चाहिए, अब यदि वो इंटरेस्ट मैं वहां से रिसीव नहीं करती तो वो तो वहीं पर इन्वेस्टेड है ना मेरा पैसा, तो इसका मतलब एक साल के बाद मेरा जो प्रिंसिपल मनी है वहीं उस प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, साथ में इंटरेस्ट की अमाउंट भी वहीं उसी प्रोजेक्ट में लगी हुई है क्योंकि वो इंटरेस्ट की अमाउंट मैंने अभी तक रिसीव नहीं की है। तो अगले साल जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा नेक्स्ट ईयर तो वो कौन सी अमाउंट पे होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट पे, है ना, ये चीजें हमने बचपन में पढ़ी है। अब इसका जो हमारा फार्मूला होता है बेटा, इसका हमारा फार्मूला क्या होता है? अमाउंट, अमाउंट यानी जो मेरी मैच्योर्ड अमाउंट है इक्वल्स टू पी इंटू 1+r परसेंटेज की पावर टी, टी कह लो या एन कह लो, ठीक है, ये टी का मतलब टाइम, ठीक है, ये हमारा फार्मूला चलता है यदि हमारा कंपाउंडेड इंटरेस्ट है तो, यानी जहां पर मुझे हर साल इंटरेस्ट की अमाउंट रिसीव नहीं होती है, ठीक है, इसको लिख लेना थोड़ा सा ध्यान है, इंटरेस्ट रिसीव नहीं होता है तो मेरा यहाँ पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला चलेगा। कई बार क्वेश्चन में बेटा क्या होता है, ये जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दिया होता है ना, कई बार जो ये कंपाउंडेड होता है, कंपाउंडेड ईयरली भी कंपाउंडेड होता है, ठीक है, ईयरली भी कंपाउंडेड होता है, और कई बार जो कंपाउंडेड होता है हाफ ईयरली भी कंपाउंडेड होता है, हाफ ईयरली भी कंपाउंडेड होता है, और कई बार जो कंपाउंडेड होता है क्वार्टरली भी कंपाउंडेड होता है, ठीक है, वो क्वेश्चन में आप लोगों को दिया होगा, और कई बार जो कंपाउंडेड होता है वो मंथली भी होता है, ठीक है, मंथली भी होता है, और कई बार कंपाउंडेड बेटा डेली भी होता है, ठीक है, डेली बेसिस पर भी होता है, और इसके अलावा कई बार जो कंपाउंडेड होता है वो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर भी होता है, कॉन्टिन्यूअस बेसिस। अब इसका मतलब क्या है, हर एक घंटे में, मतलब मैंने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, एक घंटे का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया,
फिर उस प्रिंसिपल के अमाउंट में वो इंटरेस्ट प्लस किया और फिर नेक्स्ट एक बराबर के लिए फिर उस पर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगी, यानी कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड। ठीक है, आप देखो इनमें फार्मूला हमारा क्या लगेगा। यदि मेरा कंपाउंडेड ईयरली है तो फार्मूला तो मेरा यही होगा, पी इंटू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड, आर अपॉन हंड्रेड बोलो आर परसेंटेज और इसकी पावर टाइम, यानी इक्वल टू मेरी अमाउंट आ जाएगी। अच्छा अब ध्यान से देना, हाफ ईयरली है भैया, वैसे तो पढ़ा ही है, बस थोड़ा सा मैं रिविजन के लिए करा रही हूँ। पी इंटू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड, अब ये क्योंकि ये हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली का मतलब मैं आपसे पूछती हूँ एक ईयर में कितने छह सिक्स मंथ कितने होते हैं एक ईयर में, टू, तो मैं इसको यहाँ से टू से मल्टीप्लाई करूंगी और इसकी यहाँ पर जो टाइम है वन 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 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी टू से वन ईयर, क्योंकि यहाँ पर जो रेट है मेरा ईयरली का है। अच्छा इसके अलावा यदि क्वार्टरली है तो क्वार्टरली के केस में मेरा क्या होगा, ए इक्वल्स टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड इंटू फोर और इसमें यहाँ पे टी इंटू फोर, यहाँ पर। इसके अलावा यदि मंथली है, ए इक्वल्स टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड इंटू कितना ट्वेल्व, क्योंकि ये मंथली है, ठीक है मंथली है और उसकी टी इंटू ट्वेल्व, और डेली बेसिस पर, डेली बेसिस पर हम क्या करेंगे, अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड इंटू कितने डेज होते हैं वन ईयर में, 365, और इसको मैं करूंगी टी इंटू 365। यहां तक क्लियर हो गया है जी। अच्छा अब ये जो हमारा कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली बेसिस का बेटा, इसका हमारा थोड़ा सा फार्मूला अलग लगता है, इसका हमारा जो फार्मूला लगेगा, लिख लो पी इंटू ई की पावर आर इंटू टी। ठीक है, ये जो चीज है ये मैं सोल्यूशन करना नेक्स्ट क्लास में मैं इसको समझाऊंगी, ठीक है अभी अभी की क्लास में नहीं कराऊंगी, ये नेक्स्ट क्लास में होगा। ये क्या हो गया, चलो चलो भैया हो गया यहां पर P इंटू, मैं इसको दोबारा से लिखती हूँ P इंटू E और इसकी पावर R इंटू टी, यानी R इंटू टी से मल्टीप्लाई करके E, E की पावर यहाँ पे निकलो, E की जो वैल्यू है यहाँ पे E इक्वल्स टू 2.7182। ठीक है, E की वैल्यू ये वाली है, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा अब एक चीज यहां पर समझना, अब थोड़ा सा मैं एक इलस्ट्रेशन यहाँ पर एक थोड़ा सा अपनी तरफ से एक एग्जांपल करके बता देती हूँ आप लोगों को। देखो यदि आज मैं टी जीरो, ये टी जीरो का मतलब है आज के टाइम पे मैं कोई पैसा इन्वेस्ट करते हूँ, कितना कितना रुपीस 10,000। ठीक है 10,000 मैं ये इन्वेस्ट करती हूँ तो टी फाइव पर वो कितना पैसा मुझे रिसीव होगा। जो बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा यहाँ पर कितना है, मैं एज्यूम कर लेती हूँ यहाँ पे 10%। अब मेरा फार्मूला क्या, कौन सा लगाएंगे, कंपाउंडेड का या सिंपल का, भाई मैंने तो पैसे इन्वेस्ट किया यहाँ पर। अब देखो मैं ये फार्मूला क्यों करा रही थी, अभी आपको लग रहा होगा मैम ये तो बचपन वाली चीजें है, फार्मूला मैं इसको रिमाइंड कराने का मेन मेरा रीजन यही था। अब एक चीज समझना, मैंने आज के टाइम पर कितने रुपए पैसे इन्वेस्ट किया किसी भी प्रोजेक्ट में, 10,000, और 10,000 आज के टाइम पे मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो आगे 5 साल के बाद में मुझे उस प्रोजेक्ट से कितना पैसा रिसीव होगा, ये चीज मुझे फाइंड आउट करनी है। तो इसका क्या मतलब है कि हमने जब आज कहीं पे भी किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया तो बीच में क्या मुझे उस प्रोजेक्ट से कोई मनी रिसीव हो रहा है, ऑब्वियसली नो, नहीं ना। तो मेरा जो यहाँ पे फार्मूला लगेगा वो कौन सा होगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का। आज मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, दिस इज द पी यानी प्रिंसिपल, और जो 5 साल बाद मुझे अमाउंट मिलेगी दैट विल बी अमाउंट, है ना, जो पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर जो रेट है बेटा, ये रेट जो है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, यानी इसमें तीनों चीज इंक्लूड है मेरी, जो मैं इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही हूँ ना, जो मैं एक्सपेक्टेशन कर रही हूँ मुझे इस प्रोजेक्ट से 10% मिलना चाहिए, मैंने इस 10% में तीनों चीजें इंक्लूड की है, अपनी इन्फ्लेशन भी, ठीक है इन्फ्लेशन भी इंक्लूड की है, दूसरा रिस्क फ्री रिटर्न,
रिस्क फ्री रिटर्न भी इंक्लूड किया है, यानी बैंक में मैं पैसा डिपॉजिट कराऊंगी तो वहां से जो रिटर्न मिलते हैं वो भी मैंने इंक्लूड किया है। और थर्ड, मैंने अपना जो रिस्क रिटर्न है, यानी मैंने देखा कि इस प्रोजेक्ट में कितना रिस्क है और उससे कितनी रिटर्न होनी चाहिए, तो ये सब तीनों का इंक्लूसिव पार्ट है मेरी 10%। ये आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी 10%। और देखो 10,000, अब इसको कैसे करोगे, यहाँ पे यदि मैं ऐसे पूछूं तो फार्मूला वही लगाऊं, ए यहां से एक मिनट पी इंटू 1 + r⁻ इक्वल्स टू ए, यही बोला हमने। तो पी मेरा कितना है यहाँ पे, प्रिंसिपल 10,000 और इंटू 1 + rate कितना है मेरा 10%। 10% को मैं इस तरीके से भी लिख सकते हो, टाइम कितना मेरा 5 years बाद, तो इंटू 5 इक्वल्स टू ये मेरी अमाउंट आएगी। ठीक है जी, आप देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट के लिए जो भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, इस एग्जाम में आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा आप जब भी क्लास कर रहे हो मेरे, ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो कैलकुलेटर का यूज करोगे और लेके बैठोगे कैलकुलेटर। ऐसा नहीं कि कभी सोचोगे नहीं मैम हमारी तो कैलकुलेशन बहुत अच्छी, हम तो अपने आप से ऐसे करेंगे, बाकी एग्जाम में देखेंगे लेके भी जा सकती है, नहीं नहीं, आपको अभी से कैलकुलेटर का यूज करना है। इस पे अपने फिंगर्स का इस तरीके से हैबिट करनी है फिंगर्स की, कि आप बिल्कुल हैबिचुअल हो जाए। आपको पता है कि आपकी कैलकुलेटर में कहां पर 1, कहां पे 2, कहां पर 3, इस तरीके से पूरा आपकी फिंगर्स को हैबिट हो जाए। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, एग्जाम में जो कैलकुलेटर लेके जाओ उसी कैलकुलेटर का क्लासेस में यूज करना। ऐसा नहीं कि क्लासेस में तो आप दूसरा कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, बाकी एग्जाम में दूसरा कैलकुलेटर। कई बार ऐसा होता है ना कि जिस कैलकुलेटर में हमारी फिंगर्स को आदत होती है, दूसरे कैलकुलेटर में क्या होता है कि वो डिजिट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। भाई आपने नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा, हमारे आपके पास में जो भी मोबाइल वगैरह है उसके हम हैबिचुअल हैबिट हो जाती है, बाकी जब हम दूसरा मोबाइल चेंज करते हैं थोड़ा सा उसमें फंक्शन में चेंज होता है, तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है ना। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि जो भी कैलकुलेटर आप क्लासेस में यूज करो वो ही आप एग्जाम में लेके जाना। ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे यूज कर कैसे निकालोगे, 1 + 10/100⁵ को कैसे निकालोगे यदि मैं आपसे पूछू, तो आपको मैम सिंपल है, देखो 10,000 इंटू 1 यदि 10 को मैं 100 से डिवाइड करती हूँ तो कितना होता है 0.10, यही ओ सॉरी 0.10 ऐसे तो लिखूंगी इसको, और इसकी पावर 5। ठीक है, तो 10,000 इंटू 1.10 के पावर 5। अब ये चीज मैं कैसे निकालूंगी, ठीक है, अब देखो मैं आज के टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर रही हूं, ध्यान से समझना, मैं आज के टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर रही हूं, मुझे फ्यूचर में पैसा रिसीव करना है, यानी मुझे इस पैसे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्यूचर में कितनी है, इन्फ्लेशन अपना और रिस्क फ्री और अपनी रिस्क रिटर्न यदि मैं इंक्लूड कर दूं तो मुझे पता लगानी है कि फ्यूचर में मेरे इस पैसे की कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैं इसी जब मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगी 1.10 की पावर 5, इसी को मैं क्या कह सकती हूँ, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, कितने 10% पर और कितने 5 years के लिए, 4-5 years। ठीक है, अच्छा ये जो वैल्यू है 1.10 की पावर 5, इसको मैं दो तरीके से कैलकुलेट कर सकती हूँ। एक तो कैसे, यदि मैं इस वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहती हूँ, थोड़ा सा मैं नीचे या अदर ऐसे अलग लिख देती हूँ, यहीं पर लिख देती हूँ, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 10% 5 years के लिए यदि मुझे फाइंड आउट करना है, मेरे पास दो मेथड है इसमें कैलकुलेट करने के, या तो मैं टेबल का यूज करूं या फिर मैं कैलकुलेटर का यूज करूं। ठीक है, या फिर मैं कैलकुलेटर का यूज करूं। अब टेबल मुझे कौन सी देखनी है, यहां पर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल देखनी है, FVF फुल फॉर्म लिख देती हूं यहां पर, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर
टेबल, ठीक है, ये वाली टेबल मुझे देखनी है, और या फिर मैं कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो। हमें दोनों ही तरीके आने चाहिए, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर का भी और कैलकुलेटर का भी। अब देखो ये वाली जो टेबल, कई बार तुम्हें एग्जाम में हो सकता है दी हुई हो, वैल्यू दी हो या ना दी हो, तो तुम्हें कैलकुलेटर का भी आना चाहिए। अभी हम इसको कैसे देखेंगे, देखो यदि मैं फ्यूचर वैल्यू उसकी टेबल निकालती हूं, देखो ये मैंने फ्यूचर वैल्यू की टेबल निकाली है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर की। अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, ठीक है, 10% है ना हमारा इंटरेस्ट, हाँ जी, रेट कितना है 10%, और कितने इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए। तो 5 इयर्स के लिए, तो यहां पर ये 5 इयर्स ये मेरा जा रहा है ये, और 10 ईयर ये जा रहा है, तो इस तरीके से यहां पर वैल्यू कितनी है, 1.6105, ठीक है। तो हमें यहां पे देखनी है फ्यूचर वैल्यू टेबल, ले यहां पर, तो इस तरीके से हम फ्यूचर वैल्यू टेबल का हम यूज किया, तो हमने वैल्यू यहां पर अपनी वैल्यू लिख लेंगे यहां पर, ये जो हमारी फ्यूचर वैल्यू फैक्टर की वैल्यू आती है 1.61051, ठीक है, टेबल के थ्रू। यानी हमने 10% का यहां पर देखा, और 5 इयर्स का, 5 इयर्स का जहां पर भी है और 10 इयर्स का जहां पर भी आपस में क्रॉस करें, तो वही वाली वैल्यू हमारी वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो अब 10,000 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1.61051 से, इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आता है मेरा, हाँ जी निकालो जल्दी से फटाफट, इनटू 10,000 आ जाता है मेरा 16,105.1 रुपीज। यानी 5 साल के बाद यदि मैं आज के टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करती हूँ रुपीज 10,000, तो फ्यूचर में 5 साल के बाद मुझे जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, रुपीज 16,105.1, ठीक है, इतना पैसा मिलेगा। अच्छा, अब एक मन में आपके डाउट हो गए, मैम ये कैलकुलेटर के थ्रू हम कैसे निकालें। देखो कैलकुलेटर का बहुत इजी तरीका है, सबसे पहले तो यदि आपको कैमरे में मेरा कैलकुलेटर शो हो रहा है, ये प्रेस करो क्या 1 पॉइंट, यानी कैलकुलेटर में आपको क्या लिखना है 1.R मैंने लिखा कि ये वैल्यू ये कितनी भी हो सकती है आपकी, 10% भी हो सकती है, 20% भी है। अब हमारे केस में यहाँ पे 10% है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 1.10, ठीक है, तो 1.10 मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, इनटू का साइन प्रेस करना है, मैंने इनटू साइन प्रेस किया, फिर उसके बाद इक्वल्स टू प्रेस किया, फिर खाली इक्वल्स टू मुझे प्रेस करना होगा कितनी बार, 4 टाइम्स, 1 बार मैंने प्रेस कर दिया, 2, 3, 4, ठीक है, 2, 3, 4, यानी ये जो मैं प्रेस करूंगी वो कितनी टाइम मैंने प्रेस किया, 4 टाइम्स बार, ठीक है। इस तरीके से मेरी वही वैल्यू आ गई यहाँ पर 1.61051। अब आप थोड़ा सा सोचेंगे, मैम जब हम इसको कैलकुलेटर के थ्रू निकाल रहे हैं 1.1 की पावर, यानी हमें क्या निकालना है, 1.10 की पावर 5 निकालना, तो हमने ये इक्वल्स टू 4 टाइम्स क्यों प्रेस किया। बेटा देखो एक चीज का एक लॉजिक समझना है यहाँ पर, 1.10 मैं जैसे ही इंटू करते हैं और इक्वल्स टू मैंने प्रेस किया, तो यहां पर मुझे जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी की आएगी, 1.10 के स्क्वायर की वैल्यू आएगी। फिर मैं एक और बार 1.10 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो इसके पावर 3 का टोटल होगा, फिर 4 का और ये 5 का। तो जब भी हमारा इस तरीके से मल्टीप्लाई में है, तो जितने भी टाइम्स की, जितने भी ईयर की हमें वैल्यू निकालनी होती है, तो उससे एक नंबर कम इक्वल्स टू हम प्रेस करेंगे, तो इस तरीके से हम यहाँ पर उसकी टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्लियर यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आप निकालो, आप अपने ICSI का ही मॉड्यूल निकालो, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हम ICSI के मॉड्यूल से ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब मॉड्यूल निकालो, इसमें एक इलस्ट्रेशन एक मैं देख लेती हूँ यहाँ पर। अब देखो ये हमने निकाली इलस्ट्रेशन 20 आपकी ICSI के मॉड्यूल की है, ठीक है, जो न्यू सिलेबस का है, और उसका पेज नंबर है 480, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का,
ठीक है, इलस्ट्रेशन 20। अब आप कहेंगे मैम आपने इलस्ट्रेशन 21, 22, 23, 24 क्यों रह गए? बेटे वो आगे पीछे है, तो जिस सिक्वेंस से हम कर रहे हैं ना उसी सिक्वेंस में आपको समझ में आएगा, इतने मैं आपको बोलती हूँ। यदि आप ऐसे इलस्ट्रेशन 1 और 2 करके करोगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, जो सिक्वेंस हम चल रहे हैं वो उसी सिक्वेंस से आएगा। इलस्ट्रेशन 20 देखो, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹26 इन्वेस्टेड फॉर 32 ईयर्स एट एन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 7%। यदि आज के टाइम पर मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करती हूँ, ₹26, ठीक है, तो 32 ईयर्स बाद यानी T32 पे मुझे वो पैसा कितना मिलेगा, यदि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7%। तो सिंपल वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, 26 × 1+r कितना है 7% और उसकी पावर 32, तो ये मेरा हो गया 26 × 1.07 की पावर 32। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो तरीके हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है, 7% और 32 ईयर्स, तो 7% ये और 32 है नहीं इसमें टेबल में, कोई बात नहीं बच्चा, अब हम इसको कैलकुलेटर के थ्रू यूज करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर में हम कैसे करेंगे, कैलकुलेटर में 1.07 और इंटू और फिर इक्वल्स टू कितनी बार प्रेस करेंगे 31 टाइम्स। ठीक है, 1.07 × 31 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ये मेरा आ जाता है यहाँ पर 8 point, ये आ जाता है 26 × 8.715270, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 26 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 226.5970 रुपीज। ठीक है, तो वही मेरा आंसर आ गया यहाँ पर, इज इट क्लियर? होप है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये वाला देखो, 20 मैंने कराया अभी आपको, एक 22 वाला था। देखो, इफ ए फार्म लैंड इज करंटली वर्थ 1750 पर एकर, एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन वैल्यू एट ए रेट ऑफ 5% एनुअली, व्हाट विल बी द वर्थ 5 years, 10 years, 20 years। यदि आज ही T0 पर मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट, मतलब जहां पे जो किसी चीज की वर्थ है ना कितनी है 1750 रुपीज, तो T5 पर कितनी उसकी वैल्यू होगी, T10 पर कितनी वैल्यू होगी और T20 पर कितनी उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, 2020 पर उसकी कितनी वैल्यू होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। अभी यदि मैं T5 की यहाँ पे बात करती हूँ, तो T5 के लिए T5 की जो अमाउंट होगी वो बेटा मैं कैसे निकालूंगी, 1750 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1 point, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, तो 0.5 लूंगी, है ना, उसकी पावर कितनी 5, तो इस तरीके से मैं निकाल लूंगी। अब इसकी जो वैल्यू तो आपको समझ में ही आ गई होगी, तो इस तरीके से आ जाएगा। और T10 पर मैं कैसे निकालूंगी, T10 1750 × 1.05 के पावर 10, ऐसे करके जो भी सॉल्यूशन आएगा मेरा, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल देख सकते हो, टेबल भी देख सकते हो, अदरवाइज कैलकुलेटर भी। और इसी तरीके से 220 का 1750 × 1.05 की पावर 20, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? आई थिंक ये तो क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इस तरीके से मैं अभी एक क्वेश्चन और आपको देती हूँ यहाँ पर, होमवर्क में देती हूँ, नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इलस्ट्रेशन 19 आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ ये वाली, और एक इलस्ट्रेशन अभी हमने कौन सी करी है, ये अभी हमने की है 20 वाली की है, ठीक है, इसका मैंने तरीका बता दिया, 22 का तरीका बता दिया है, 19 मैं होमवर्क में कर दे रही हूँ आपको, आपको खुद से करनी है, और एक 21 आपको होमवर्क में ट्राई करनी, नहीं आती है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास में यही तक ही रखती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारा इसी तरीके से जो मैंने बताया उसी सिक्वेंस में हमारा चलेगा। अच्छा, वीडियो को खत्म करने से पहले कहती हूँ, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, बाय बाय।